हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए वैभव वशिष्ठ, अ चैनल वेर यू विल बी गेटिंग ऑल द क्लासेस ऑफ योर अकाउंट्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड नॉट जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, वी विल बी लर्निंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर अकाउंट्स विद फन, विद एग्जांपल्स ऑफ सम बिग सेलिब्रिटीज एंड रियल लाइफ सिनेरियोस, ताकि आपको किसी भी चीज को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए. सो मेरे दोस्तों, सो मेरे रील के चाहने वालों, आज हम क्या करने वाले बेटा, आज हम पढ़ने वाले डबल एंट्री सिस्टम. हम हमारी अमेरिकन अप्रोच तो पढ़ के आ चुके थे, हमने वहाँ पे देखा था पांच नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं, बहुत अच्छे से उसको समझ लिया था. जितने भी उसके क्वेश्चन है बेटा, सारे क्वेश्चन कर लेना, जितनी क्वेश्चन करोगे उतनी आसान लगेगी अकाउंट्स. कोई भी दिक्कत आए यू कैन रीच मी. आज हम करने वाले हैं हमारी इंग्लिश अप्रोच डबल एंट्री सिस्टम. बेटा डबल एंट्री सिस्टम में केवल तीन रूल है, वहाँ पे तो पांच रूल थे, यहाँ पे केवल तीन रूल है. तो आज की क्लास अगर आप समझ गए तो सच में आपका जीवन आसान हो जाएगा, ग्यारहवीं आसान हो जाएगी, बारहवीं आसान हो जाएगी, जर्नल एंट्री वगैरह कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी. आज हमको बहुत अच्छे से समझना है डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है. तो बेटा हमारा डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि आपके बिजनेस की कोई सी भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, वो हमेशा दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी. हमेशा हमेशा दो अकाउंट, दो साइड्स को अपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट करेगी. एक होगा डेबिट तो दूसरा होगा क्रेडिट. हर ट्रांजेक्शन, आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो गुड्स बढ़ेगा और कैश कम होगा. आप सेल्स करोगे तो कैश बढ़ेगा, कैश आएगा और गुड्स कम होंगे. आप मशीनरी खरीदोगे तो मशीनरी बढ़ेगी और कैश कम होगा. हर एक ट्रांजेक्शन, रेंट पे करोगे तो रेंट बढ़ेगा, कैश कम होगा. कोई सी भी ट्रांजेक्शन हो, कोई सी भी, हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी. एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी, पक्का है. एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी, बिकॉज ऑफ दीज रूल्स जो मैं, ये डबल एंट्री सिस्टम के हमारे इंग्लिश अप्रोच के रूल्स हैं. और हमारे इंग्लिश अप्रोच के रूल्स को तीन रूल है, एक पर्सनल अकाउंट का रूल है, एक रियल अकाउंट का और एक नॉमिनल अकाउंट का. तो समझ लेते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से डिवाइड कर रखा है. तो हमारे अकाउंट्स को उन्होंने दो भाग में बांट दिया, एक तो पर्सनल अकाउंट किसी भी बंदे का, राम श्याम हीना मीना उनका अकाउंट, और इम्पर्सनल अकाउंट्स जो कि किसी बंदे के, किसी लिविंग बींग उनके अकाउंट नहीं है. और इसको भी दो भागों में बांट दिया, एक तो रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट. तो सबको समझते हुए चलते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, और अपने आप रूल्स समझेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा सब. सबसे पहले पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट होता है बेटा किसी भी बंदे का अकाउंट, राम श्याम सीता गीता मोहन राम जितने भी लोग भाग है उनके अकाउंट को हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट. राजू श्याम बाबूराव भैया जितने भी लोग भाग है उनके अकाउंट को पर्सनल अकाउंट बोलते हैं. और इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है, चाहे वो पैसा हो कुछ भी हो, उसको करना है डेबिट. और जो भी गिवर है, जो दे रहा है, उसको करना है क्रेडिट. जो रिसीवर है उसको करना है डेबिट और जो गिवर है उसको करना है क्रेडिट. फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपकी कंपनी की मैनेजर है, हमारे बिजनेस की मैनेजर है, और ये पैसा दे रही है इसको, ये है एक्स, एक्स वाई कोई सा भी नाम रख लो बेटा इसको. चलो एक्स वाई नहीं रखेंगे हम, थोड़ा रियलिस्टिक नाम रखते हैं इसका, मोहन. ये है बेटा हमारे मोहन जी, और हम, ये हमारी बिजनेस की मैनेजर, यानी कि हमारा बिजनेस इनको 50,000 रुपए दे रहा है. इनको क्या दे रहा है, 50,000. तो मोहन सर, मोहन क्या है सर, एक पर्सनल अकाउंट है, आपने अभी भी बताया. और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है मोहन, मोहन रिसीवर है, पैसा रिसीव कर रहा है, तो मोहन को करेंगे डेबिट. मोहन्स अकाउंट डेबिट, डेबिट मोहन का अकाउंट होगा डेबिट 50,000 रुपए से, 250K. टू कैश अकाउंट, क्या किया बेटा मैंने, मोहन रिसीवर है तो मोहन का अकाउंट को कर दिया मैंने डेबिट. अगर मोहन पैसे दे रहा होता, मोहन आता और हमको अगर पैसा देता, तो मोहन कौन होता सर, गिवर. गिवर को क्या करना होता है पर्सनल अकाउंट में, क्रेडिट. तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट. अगर मोहन पैसा देता तो हम करते कैश अकाउंट डेबिट टू
क्रेडिट करते बेटा मोहन को, टू क्रेडिट करते हम मोहन को 50,000 रुपए से। अब आपको ये थोड़ी सी ये बात तो समझ में आ गई कि सर पर्सनल अकाउंट जो है मोहन, राम, श्याम ये सब है, इनको अगर रिसीवर है वो पैसा रिसीव कर रहा है तो करना है डेबिट, और अगर पैसा दे रहा है गिवर है तो करना है क्रेडिट। लेकिन सर ये कैश की क्या बात है, तो मैं आपको रियल अकाउंट का रूल भी समझा देता हूँ, फिर वापस से इस एंट्री के ऊपर आएंगे। तो चलो, इन पर्सनल अकाउंट दो तरीके के थे, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसका रूल समझते हैं, फिर वापस से उस एंट्री पे जाएंगे। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। कौन से होते हैं रियल अकाउंट? जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है और उनको वैल्यू को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ये मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं जो मैंने बोला, ये आप लोगों का सस्पेंस है। मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है। अगर किसी भी चीज को हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते होंगे तो वो हमारे अकाउंट्स में, हमारी बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है। लेकिन एक बार को इसको भुला देना, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट है जो आपके थ्योरी पार्ट है वो हम बाद में करेंगे। एक बार हम थोड़ा समझ ले जर्नल एंट्री वगैरह क्या है, आप पूरी चीजें समझ लोगे फिर आपको वो कंसेप्ट और अच्छे समझ में आएंगे। तो वापिस से टॉपिक के ऊपर आओ, रियल अकाउंट क्या है? जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जैसे कि कैश किसकी प्रॉपर्टी है? बिजनेस की। फर्नीचर, आपके ऑफिस में जो फर्नीचर पड़ा हुआ है, जो टेबल पड़ी हुई है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जो भी हमारे बिजनेस के प्रॉपर्टी है वो सारे रियल अकाउंट्स है। कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ठीक है सर, ये सारे रियल अकाउंट्स है हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी। और इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर अगर फर्नीचर आ रहा है, कैश आ रहा है तो करो डेबिट, और अगर कैश जा रहा है तो करो क्रेडिट। क्या है हमारे रियल अकाउंट का रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे करो डेबिट, और जो जा रहा है उसे करो क्रेडिट। जो जा रहा है उसे करो क्रेडिट। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने करी गुड्स की सेल, आपने क्या बेचा बेटा? आपने सेल्स करी, अपने गुड्स की सेल करी, तो आपको क्या मिल रहा है? सर हमको मिल रहा है कैश। और रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो सर सेल में हम एंट्री करेंगे, सर सेल में हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। मैं इसका रंग चेंज कर देता हूं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं बेटा, रेड कलर थोड़ा सा दिखता नहीं है। हाँ, हम करेंगे सर कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है और आपने हमको रूल बताया, आपने हमको रूल बताया डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जा क्या रहा है सर? हमारे गुड्स, हमारा स्टॉक, तो वो होगा क्रेडिट टू स्टॉक अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 10,000 रुपए के आपने सेल्स करी तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। स्टॉक जा रहा है तो वो होगा क्रेडिट। वेयर एज अगर आप परचेज करते हो, अगर आप परचेज करते हो तो क्या होगा? सर स्टॉक तो आएगा और हमको कैश देना पड़ेगा, स्टॉक आएगा और कैश जाएगा, तो डेबिट क्या करेंगे? स्टॉक को। तब हम एंट्री करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आ रहा है टू कैश अकाउंट। बेटा कैश आपकी जेब में से जा रहा है तो परचेज के ऊपर तो एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सेल्स के ऊपर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आओ आओ बेटा वापिस से हमारे पर्सनल अकाउंट वाली एंट्री के ऊपर चलते हैं। मैंने क्या बोला था? ये बंदा है, ये कौन है सर? ये था मोहन। सर ये थे हमारे मोहन जी, और हमने मोहन को दिया पैसा, हमने मोहन को 20,000 रुपए दिए, हमने मोहन को 20,000 रुपए दिए। मोहन क्या है सर? मोहन एक पर्सनल अकाउंट है। आपने बताया जितना भी मोहन, राम, श्याम, गीता, ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मोहन को पैसा मिल रहा है, मोहन रिसीवर है, तो मोहन का अकाउंट होगा डेबिट। मोहन्स अकाउंट डेबिट, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर मोहन को हमने पैसा दिया, हमारे यहां से कैश जा रहा है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो कैश होगा क्रेडिट। मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा ये जितने भी रूल हैं,
पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये आपस में मिक्स है। जरूरी नहीं कि एक जर्नल एंट्री में एक ही रूल लगेगा, ये तीनों रूल कहीं पे भी लग सकते हैं। रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे कि हमने मोहन को पैसा दिया, मोहन है पर्सनल अकाउंट, वो रिसीवर है तो उसको कर दिया डेबिट, और कैश जा रहा है, कैश है रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो कैश को हमने कर दिया क्रेडिट। अगर यही मोहन हमको पैसा देता, अगर बेटा मोहन हमको पैसा देता तो मोहन कौन है? सर मोहन है पर्सनल अकाउंट, वो पैसा दे रहा है यानी कि वो है गिवर, तो यहाँ पे होता टू मोहन्स अकाउंट, यहाँ पे होता सर टू मोहन्स अकाउंट, क्योंकि वो पैसा दे रहा है और हमको पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो होता कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट अगर मोहन पैसा देता, और मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगर हम पैसा देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पर्सनल अकाउंट क्या होता है। सर पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं राम, मोहन, श्याम, जितने भी ये लोग बागों के अकाउंट है वो होते हैं पर्सनल अकाउंट। इसमें और थोड़ी सी डिटेल्स है वो मैं बाद में समझाऊंगा, अभी आपके दिमाग में कंसेप्ट तो डाल दूं। सर पर्सनल अकाउंट्स होते हैं राम, मोहन, श्याम, बाबू राव, जितने भी हमारे इनके अकाउंट है वो सब, ये उनका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट होते हैं जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जैसे कि कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, इनका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश आएगा तो करेंगे डेबिट, और अगर कैश जाएगा तो करेंगे क्रेडिट। मशीनरी आएगी तो करेंगे डेबिट, और मशीनरी जाएगी तो करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट रूल बेटा, ये तो था आपका रियल अकाउंट का रूल। एक और चीज, ये जो रियल अकाउंट है ये भी दो तरीके के होते हैं। सर रियल अकाउंट दो तरीके के, एक तो टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। घबराने वाली बात नहीं है, दोनों में रूल सेम है। रियल अकाउंट का वही रूल, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। बट रियल अकाउंट भी दो तरीके के होते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, जैसे कि कैश, नोट गिनते हो करारे करारे उनको छू के, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जिसको भी आप देख सकते हो वो सब होते हैं टेंजिबल। वेयर एज कुछ आपके ऐसे असेट्स भी हो सकते हैं जिनको आप देख तो नहीं सकते पर उनकी वजह से आपको फायदा बहुत होता है। सर जैसे कि बेटा, अगर आप लोगों को चाय पीने का मौका मिले, अगर आप चाय पीने जाओगे बाहर तो आप कहाँ जाओगे? दो कैफे हैं, एक तो है MBA चाय वाला और एक रोड साइड कैफे। सर ऑब्वियसली हम MBA चाय वाला कैफे में जाएंगे। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि सर उसका नाम है, बेटा ये जो नाम होता है ना इसको हम कहते हैं गुडविल। जो MBA चाय वाला है और एक रोड साइड कैफे है, एक कोई नॉर्मल कैफे और MBA चाय वाला कैफे है, आप MBA चाय वाला कैफे के इसलिए जा रहे हो क्योंकि उसका नाम है और इस नाम को कहते हैं गुडविल। ये MBA चाय वाला का वो असेट है, ये MBA चाय वाले का वो असेट है जो दिखता तो नहीं है, ये नाम उसका दिखता तो नहीं है कि भाई इतना बड़ा नाम है जहां पे ब्रांच खोलते हैं लोग आ जाते हैं, बट उससे प्रॉफिट्स काफी होते हैं MBA चाय वाले को। पेटेंट, कॉपीराइट, आपने खुद की बुक बनाई, कॉपीराइट लिया, कोई पेटेंट करा लिया आपने अपने नाम का, कोई स्टाइल का, तो ये पेटेंट, कॉपीराइट, ये वो असेट्स है जिनकी वजह से आपको फायदा होता है। तो आपके असेट्स है वो दिखते नहीं है, इसीलिए उनको कहते हैं हम इनटेंजिबल असेट्स, हमारे मिस्टर इंडिया, दिखते तो नहीं है पर उनकी वजह से आपको बिजनेस में फायदा होता है। तो टेंजिबल तो वो होते हैं जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, और इनटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब चीजें। दोनों का रूल सेम है, बस आपको बताना था एक बार। नेक्स्ट, आज पता नहीं सांस इतनी क्यों भर रही है, लास्ट 12th क्लास की भी अभी रिकॉर्ड करा था, सॉरी थोड़ी सी थकान हो गई, बट 12th क्लास की भी अभी 2-3 क्लास रिकॉर्ड करी, अब तुम्हारी क्लास आ गई, प्लस इसमें AC नहीं लगा रखा मैंने रूम में, इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा वो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हाँ तो बच्चों हम कहाँ पे थे, तो हमने तीन रूल पढ़े। सर तीन तरीके से आपने डिवाइड करा, आपने बताया था, सर आपने बताया था एक तो होता है पर्सनल अकाउंट, इसका रूल आप हमको समझा चुके,
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल दो तरीके का होता है, एक तो रियल अकाउंट हमारा कैश, फर्नीचर, मशीनरी, डेबिट व्हाट कम्स इन आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, और तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट में वो सारे अकाउंट आते हैं जो हमारे इनकम है और हमारे एक्सपेंसेस है। आपने बिजनेस का रेंट पे करा, आपको कमीशन की इनकम हुई, रेंट, इनकम, सैलरी, जो भी आपके बिजनेस के खर्चे हैं, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, चाय का खर्चा हो गया, और न जाने कितने भी आपके खर्चे हो, जो भी आपकी इनकम हो, वो सारे आपके नॉमिनल अकाउंट है। बैंक से इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, डिविडेंड मिला, सैलरी दी, रेंट दिया, जो भी आप खर्चे कर रहे हो और आपकी इनकम है, वो सारे आपके नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है जो भी खर्चे हैं उन्हें करो डेबिट और जो भी इनकम है उन्हें करो क्रेडिट। जो भी खर्चे हैं, रेंट, सैलरी, उन्हें करो डेबिट और जो भी इनकम है उन्हें करो क्रेडिट, उन्हें करो क्रेडिट। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने रेंट पे करा, आपका बिजनेस है, आप बिजनेस करते हो, तो आपने एक शॉप, जो आपका ऑफिस है वो किराए पे ले रखा है, हर महीने जो लैंडलॉर्ड है आपके ऑफिस का वो आता है और आप उसको रेंट पे करते हो, रेंट है आपका खर्चा, आपके बिजनेस का खर्चा, तो खर्चे को क्या करना है, एक्सपेंस को डेबिट, हमारे नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो अगर आप रेंट पे करोगे, बेटा तो एंट्री होगी, ये देखो रेंट आपने करा, रेंट पे तो एंट्री होगी। आप पूछोगे सर नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, सो रेंट अकाउंट डेबिट, 5,000 रुपए का आपने रेंट पे करा, दिया क्या आपने कैश, कैश है रियल अकाउंट, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टू कैश अकाउंट। सर नॉमिनल और रियल दोनों का आपने हमको रिलेशन बता दिया, बेटा ये तीनों रूल पर्सनल, रियल, नॉमिनल आपस में गुत्थम गुत्थ होकर हमारी जर्नल एंट्री बना देंगे और हमेशा हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी, एक अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा, एक क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा डेबिट होगा ही होगा। जैसे आपने रेंट पे करा तो रेंट एक्सपेंस को कर दिया डेबिट और कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम हुई, आपको इंटरेस्ट की इनकम हुई तो आपको क्या मिल रहा है, सर हमको मिल रहा है कैश, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। बेटा ये है इंटरेस्ट की इनकम, ये तो एक्सपेंस था, ये इंटरेस्ट की इनकम हुई। अगर इंटरेस्ट की आपको इनकम हुई, इनकम को क्या करना है नॉमिनल अकाउंट रूल में, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम, तो ये इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट होगा क्रेडिट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। सो कैश आपको मिला और इंटरेस्ट इनकम हुई क्रेडिट और कैश आ रहा है तो ये हुआ बेटा डेबिट, तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो बेटा ये थे आपके रूल्स, ये थे बेटा आपके तीन रूल्स। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और हमारे नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब बेटा मैंने आपके दिमाग में कंसेप्ट को डाल चुका है, अब आपको ये तीनों चीजें भी समझा देता हूँ, मैंने शुरुआत में इसलिए नहीं समझाई, आप लोग कंफ्यूज हो गए, अरे यार ये तो थोड़ा हार्ड है, ये वो है, तो अब दिमाग में आपके रूल आ ही गया, अब हम समझते हैं। पर्सनल अकाउंट, राम श्याम गीता का जो अकाउंट है वो भी तीन तरीके का होता है, ये भी तीन तरीके का होता है। आपने मोहन को पैसा दिया क्योंकि आपने उससे कुछ गुड्स खरीदे थे, तो आपने उसको पैसा देना था, सर बिल्कुल वाजिब बात है, अगर कोई चीज किससे खरीद रहे हैं तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। अगर आप मोहन को पैसा दे रहे हो तो मोहन एक पर्सनल अकाउंट, आपने उसको पैसा दिया, जरूरी थोड़ा आप गुड्स मोहन से ही खरीदो, आप किसी कंपनी से भी खरीद सकते हो। आपने रिलायंस कंपनी से गुड्स खरीदे, सर ये रिलायंस कंपनी क्या होगी, रिलायंस कंपनी भी पर्सनल अकाउंट है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। अगर कोई बंदा सांस ले रहा है, हमारी तरह हंस सकता है, बोल सकता है, वो तो होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, राम श्याम गीता सीता मीता सब।
और कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई बैंक, ये सारे होंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। अगर हम कंपनी से गुड्स खरीदेंगे, कंपनी को गुड्स बेचेंगे, तो वो भी पर्सनल अकाउंट है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसमें तो सर कोई दिक्कत ही नहीं थी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का ये रूल है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, जो भी नेचुरल पर्सन से यानी कि ह्यूमन बींग जैसे कि राम, साक्षी, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है बेटा। कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई बैंक, ये सारे अकाउंट हो गए हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एक सस्पेंस देने वाला हूं थोड़ा सा, रुको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था बेटा, नेचुरल आर्टिफिशियल, सर ये तो समझ में आ गया। सर ये तीसरा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है कुछ लोगों को, किसी पर्टिकुलर आदमी को या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को वो रिप्रेजेंट करता है। सर जैसे कि हमारा खर्चा है वर्कर्स को सैलरी देना। हाँ सर बिल्कुल है, हमारा एक्सपेंस है सैलरी। अगर हम उन वर्कर्स को सैलरी नहीं देते हैं, अगर हम उन वर्कर्स को सैलरी नहीं देते हैं कि अभी हमारे पास में कैश नहीं है, 2 महीने 3 महीने बाद में सैलरी देना, तो सैलरी तो देनी तो पड़ेगी, बाद में दे देंगे लेकिन देनी पड़ेगी। ये होता है बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। हम क्या कर रहे हैं, फिर से सुनना ध्यान से, हमें हमारे एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, तो ये हमारा एक्सपेंस है सैलरी अकाउंट, डेबिट टू कैश। सैलरी अकाउंट एक्सपेंस, डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है। अगर हम उनको सैलरी नहीं देते हैं तो हम ये एंट्री करेंगे नहीं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने उनको सैलरी नहीं दी। पर उनको सैलरी देनी तो है, आज नहीं तो कल बाद में देंगे, तो हम एक अलग से अकाउंट बना देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कि इन लोगों की सैलरी बकाया है। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जिनको सैलरी देनी है। जिन भी लोगों को सैलरी देनी है और हमने नहीं दी, आज नहीं तो कल देनी तो पड़ेगी, हम अलग से एक अकाउंट बना देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, जो रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जिनको हमको सैलरी देनी है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये अकाउंट रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जिनको हमको सैलरी देनी है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसका भी वही रूल है, ये भी पर्सनल अकाउंट ही है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं सबसे टिपिकल बात है इस चैप्टर की, सबसे टिपिकल। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। एक आपको शॉर्टकट बताऊं, एक आपको रामबाण बताऊं ना, तो बेटा जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट है ना, हाँ सर नॉमिनल अकाउंट आपने बताया था, जो भी एक्सपेंसेस और इनकम, हमारे खर्चे और हमारी इनकम, ये सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अगर नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे मैं कोई नाम जोड़ दूं, अगर नॉमिनल अकाउंट के मैं आगे या पीछे कोई नाम जोड़ दूं, तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे में कहीं पे भी नाम जोड़ दूं, तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि सैलरी, रेंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर मैं इसके आगे नाम जोड़ दूं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, इंश्योरेंस एक नॉमिनल अकाउंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, हमने पहले ही इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस इंश्योरेंस कंपनी को, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट जिसको हमने इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया। अगर हम नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई भी शब्द आगे या पीछे जोड़ दें, तो वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फटाफट से मेरे साथ साथ में बोलना, कमरे में बैठे हुए हो, आपके मम्मी पापा सुनेंगे, सुनने देना, बट मेरे साथ साथ में बोलना। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिसको रिसीव करना है उसको कर दो डेबिट, और जिसको देना है उसे करो क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे करो डेबिट, जो जा रहा है उसे करो क्रेडिट। कैश अगर आएगा तो होगा डेबिट, कैश अगर जाएगा तो होगा क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस है उन्हें करो डेबिट, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको हर चीज समझ में आई होगी। अगर आपको किसी चीज में डाउट है, फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, रीच मी आउट।
मैं आपके सारे डाउट दूर करूँगा। हाँ, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जनरल एंट्री के, यही